बीजेपी विधायक गणेश नायक ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और अरेंजा कॉर्नर पर बनने वाले उड़ान पुल और बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट को तत्काल रद्द करने की मांग की। पूर्व मंत्री ने कहा कि सत्ताधारी चुनाव फंड जमा करने के लिए अनावश्यक विकास कार्यों के नाम पर जनता के पैसों की लूट कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए रिपोर्ट। एकूणच नवमुंबईमध्ये होणाऱ्या किंवा हो घातलेल्या चुकीच्या गोष्टीच्या अनुषंगानं जनसामान्यामध्ये अवेअरनेस जागृती निर्माण करण्याकरता मी काही ठिकाणी काही घटकांना भेटणार आहे। त्यामध्ये पहिला गोष्ट म्हणजे की बीजेपी विधायक गणेश नाईक की एनएमसी आयुक्त के साथ आज की मुलाकात बेहद तल्ख रही। पूर्व मंत्री गणेश नाईक ने चर्चा के दौरान सवाल उठाते हुए अरेंजा कोपरी उड़ान पुल, वासी सेक्टर 17 में बायोगैस प्लांट और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के सुशोभीकरण के नाम पर सैकड़ों करोड़ के खर्च को गैर जरूरी बताते हुए तीनों विकास प्रकल्पों को तत्काल रद्द करने की मांग की। उन्होंने होल्डिंग पॉइंट की सफाई कराकर बाढ़ का खतरा रोकने, फिर से बढ़ रहे कोरोना पर नियंत्रण करने और डीसी में अवांछित पेड़ों की कटाई रोकने एवं प्लाट बेचने पर अंकुश लगाने जैसे कई अहम मुद्दों को दोबारा उठाते हुए ऐसी अंधेर गर्दी बंद करने की अपील की। या कालखंडामध्ये अरेंजा कॉर्नर ते कोपरी ब्रिज हा सुमारे 300 कोटी रुपयाचा ब्रिज बनवण्याचा घाट घातलेला, तो घाट कुठल्या तरी सत्ताधीशांना निवडणुकीकरता पैसे मिळवण्याकरता हा टेंडर काढलेला आहे आणि माननीय आयुक्तांना मी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की हा जर त्या ठिकाणी टेंडरची प्रक्रिया कोणी राहिली तर हा गणेश नाईक त्या ठिकाणी आजवर न केलेलं तसं आंदोलन केलं। त्याचबरोबर सेक्टर 17 परिसरामध्ये CETPच्या जवळ कचऱ्यावर प्रक्रिया करून गॅस काढण्याचा त्यांचा प्रकल्प आहे। अरे MIDC परिसरामध्ये महापालिकेला मिळणाऱ्या जागांमध्ये त्या ठिकाणी तो प्रकल्प काढा, ह्या प्लॉटचं वापर करून महापालिकेला शेकडो कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळू शकतं, तो सुद्धा गॅस प्लांट रद्द करण्यासाठी माननीय आयुक्तांना मी सूचित केलेला आहे। अरे शिवाजी चौक जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतला, तो शिवाजी चौकचं पुनर्निर्माण करण्याचं कोणाला, मी आयुक्त मोदाला सांगितले की प्रशासन कालखंडामध्ये इमर्जन्सी येणाऱ्या गोष्टीवर निर्णय घ्यायचा असतो, पूर झाला, भूकंप झाला, आरोग्याचा काही प्रश्न उपस्थित झाला तर ह्या ठिकाणी तुम्ही तो निर्णय घ्या, खर्च करा, परंतु ज्या गोष्टी धोरणात्मक बाबी आहेत त्या बाबींवर तुम्हाला असा निर्णय घेता येणार नाही। म्हणजे प्रशासन कालखंडामध्ये सगळेच जर पैशाची जर तरतूद तुम्ही करून टाकली खर्चाची, तर येणाऱ्या महासभेच्या नगरसेवकांनी कशावर निर्णय घ्यायचे। इस दौरान बेलापुर सेक्टर 4 इलाके के जल जमाव का मुद्दा उठाते हुए वरिष्ठ नगर सेवक डॉक्टर जयाजी नाथ ने कहा कि कई वर्षों की मांग के बाद भी मनपा अधिकारी गंभीर नहीं हैं, ऐसे में अब स्थानीय रहवासियों के पास आत्महत्या के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। इस पर विधायक गणेश नाईक ने जोर देते हुए इसके लिए तत्काल उपाय योजना करने की मांग की। गणेश नाईक ने कहा कि सत्ताधारी नेता मनपा अधिकारियों के साथ मिलकर गैर जरूरी विकास प्रकल्प चला रहे हैं और मुंबई का खजाना लूटने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब महानगरपालिका चुनाव के लिए चंदा जमा करने की एक साजिश है, लेकिन वे मुंबई में चल रही इस लूट को नहीं चलने देंगे। गणेश नाईक ने ऐलान किया कि वे 5 जून को अम्बेडकर स्मारक करौली से जागरूकता आंदोलन की शुरुआत करेंगे और प्रशासन और सत्ताधारियों की इस लूट का भंडाफोड़ करेंगे। खरं म्हणजे हे अरेंजा कॉर्नरचा जो ठाणे बेलापूर रोड आता भविष्यकाळात अपुरा पडणार आहे आणि म्हणून पाम बीच रोड जो घरसोलीपर्यंत पोहोचला, घरसोलीहून ऐरोलीपर्यंत पोहोचत तिथे खर्च करा, त्याच्याऐवजी अनावश्यक खर्च करायचा प्रयत्न तुम्ही केला आणि निवडणुकीच्या कालखंडामध्ये अजिबात नाही। हे धोरणात्मक निर्णय ही महासभा येईल, त्याला महासभा निर्णय घेईल,
तुम्ही या बाबतीमध्ये केलेली प्रोसेस केलेली टेंडर थांबवा, रद्द करा. अरंजे कॉर्नर टू कोपरी गॅस प्लांट, शिवाजी चौकाचं सुशोभीकरण, हे सगळे तिन्हीच्या तिन्ही टेंडर रद्द करा. न पेक्षा त्या ठिकाणी आम्हाला उग्र आंदोलन करायला लागेल. आणि हे सत्ताधाऱ्यांना माझा इशारा आहे की तुमच्या निवडणुकांकरता तुम्ही जे भंड तयार करण्याकरता ही नाटकं चाललेली, ती नाटकं बंद करा. आता ज्या पद्धतीनं करप्शन करणाऱ्यांच्या विषयी जी एकूण यंत्रणा ज्या त्या लोकांना धडा शिकवण्याचं काम करत आहे, तुम्ही त्या बादलीमध्ये किंवा टोपलीमध्ये न जाणार याची दक्षता घ्या. आणि या शहरातला पैसा, या शहरातलं पाणी, या शहरातल्या लोकांचं सुख नाहीसं करण्याचा प्रयत्न करणार असाल तो अन्याय करू देणार नाही. मनीषा म्हैसकर मॅडम पर्यावरण सचिव, त्यांना सांगा की जर का तुम्ही MCMA ची जर परवानगी घेऊन जरी होल्डिंग पॉईंट क्लीन करण्यासाठी जर परवानगी नाही दिली, तर गणेश नाईक स्वतः त्या ठिकाणी पोकलाईन घेऊन त्या ठिकाणी ते होल्डिंग पॉईंट त्या ठिकाणी साफ करेल. तुम्हाला काय कारवाई करायची असेल, काय केस करायची असेल, गणेश नाईक करा. गणेश नाईक अशा प्रकारे जनतेच्या इंटरेस्टमध्ये त्या ठिकाणी केसेस घ्यायला तयार. इस अवसर पर वरिष्ठ नेता दशरथ भगत, हालिया महापौर जयवंत सुतार, बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, वरिष्ठ नगर सेवक जयाजी नाथ, रविन्द्र थापे और विनोद मात्रे जैसे कई नगर सेवकों ने भी गंभीर मुद्दा उठाते हुए मनपा अधिकारियों की मनमानी का उल्लेख किया और कार्रवाई की मांग की, जिस पर आयुक्त ने सकारात्मक समाधान का भरोसा दिलाया है. ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.